दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक एक ट्रेड ले लेते हैं। गौरव, अभी आपने थोड़ी देर पहले बीबीसीएल की बात की, उसके अलावा और कौन से दो ट्रेड्स हैं आपके रडार पर? देखिए, पहला जैसे मैंने कहा है कि बीपीसीएल जो है वो एक ट्रेड रहेगा जहाँ पे एक अच्छा एक बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट हमको देखने मिला, तो 515 520 के लिए आप उसको प्ले कर सकते हैं। 470 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा रिकमेंडेशन है वो है सेल रिकमेंडेशन जुबिलेंट फूडवर्क्स में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे ब्रेकडाउन देखने मिला है। लार्जर टाइम फ्रेम में चाहे आप वीकली या मंथली देखिए तो डाउन ट्रेंड में था, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे थे, और आप डेली टाइम फ्रेम में भी एक ब्रेकडाउन देखने मिल चुका है, और अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे 2 दिनों से देखने मिल रही है। तो लग रहा है कि यहाँ पे और प्रेशर आपको देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे आप जुबिलेंट फूडवर्क्स में शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं 532 के स्टॉप लॉस से, और 475 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा। ठीक है, तो बीबीसीएल में ट्रेड करने की सलाह है, और जुबिलेंट में जुबिलेंट फूड में बिकवाली करने की सलाह 475 के लक्ष्य के लिए। संतोष जी, आप भी अपने ट्रेड्स बताइए। यस, मेरे दोनों स्टॉक बाइंग साइड के हैं। पहला है टाटा पावर, पावर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है। टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमने देखा था और ये अपनी तेजी को कंटिन्यू कर रहा है। आज भी अच्छे प्राइस वॉल्यूम का एक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 400 का टारगेट रहेगा, 374 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा है मेरा अडानी पोर्ट्स। आज अडानी ग्रुप में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अडानी पोर्ट्स एक स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है जो अपने 20-डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करते हुए आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो यहाँ पे 1240 का टारगेट रहेगा, 1175 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये राय ट्रेडिंग पिक संतोष जी की ओर से आती हुई, यहाँ पर नज़र रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। और आज पावर शेयरों में हम देख रहे हैं एक बार फिर तेजी का रुख बना हुआ है। पावर शेयरों में पावर साफ तौर पर नज़र आ रही है, और ये पावर शेयरों की जो रफ्तार है ये वाकई जब भी हम डिस्कस करते हैं तो एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ती है। REC, PFC, पावर ग्रिड सभी इस वक्त तेजी में कारोबार करते हुए। गौरव, जरा पावर शेयरों पे राय दीजिए। लोग इंतजार करते हैं कि कोई एक ऐसा मौका मिले जिस जहां पर एंट्री बने, लेकिन पावर शेयर मौका कम ही देते हैं। बिल्कुल, अगर आप PFC REC की अगर बात करेंगे तो काफ़ी एक अच्छी अपसाइड हमको देखने मिली है। उसके बाद में करेक्शंस काफ़ी हॉलो रहे हैं। 7-8% करेक्शन एक दिन में ज़रूर देखने मिलते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उतना स्टीप करेक्शंस हो नहीं रहे। यहाँ पे अगर किसी को चाहिए तो मुझे दोनों में से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे PFC का स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आप 430 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है। इनफेक्ट वॉल्यूम जो है पिछले 10-15 दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम्स है। एक बुलिश एमएसडी क्रॉसओवर डेली जो है डेली चार्ट से ब्रेकआउट हो रहा है, 67 के करीब वाले से चल रही है। एक बार 70 पार करेगा तो मोमेंटम काफी तेज हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंपेयर में करूँ तो PFC आप बाय कर सकते हैं, 430 का स्टॉप लॉस होगा, और आप यहाँ से 7 से 8% की अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह PFC REC स्टॉक्स पर।